सार्क सम्मेलन से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली है। दरअसल पीएम आज दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के पुंछ और उधमपुर में रैली करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अरनिया में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पीएम की सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। अरनिया सेक्टर में आतंकी हमले के बाद पुलिस और सरकारी एजेंसियों के लिए ये चुनौती और भी ज्यादा कड़ी है। बता दें कि मोदी की रैली से पहले खासतौर पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। बताते चलें कि दूसरे चरण के तहत 2 दिसंबर को 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि इन रैलियों में भी पार्टी को उसी तरह का समर्थन मिलेगा जैसा किश्तवाड़ की रैली में मिला था। एक्सएन न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट।